राज्य स्थापना दिवस के मौके पर नैनीताल में मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें आयोजन के तहत जिले के कई स्कूली छात्रों ने हिस्सा लिया। पर आयोजन में पदाधिकारियों की लापरवाही को देखकर डीएम ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा अधिकारी और कई अधिकारियों को फटकार लगाई। आपको बता दें कि राज्य स्थापना दिवस के मौके पर नैनीताल में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा था, जहां स्कूली बच्चों को ट्रैक सूट के बजाय स्कूल यूनिफॉर्म में पहुंचा देखकर डीएम गुस्सा हो गए, जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों की फटकार लगाई। देखिए, यहाँ पर जो अन्य स्कूल हैं शहर के, वो बच्चे सब अपने ट्रैक सूट और उनको अच्छी जानकारी थी कि उन्होंने क्रॉस कंट्री में पार्टिसिपेट करना है, बट लेकिन यहाँ पर एक स्कूल है GGIC मल्ली का, जिसमें ये सूचना हमारे शिक्षा विभाग और नगर शिक्षा अधिकारी की थी। मेरी अभी इन लोगों से बात हुई थी और इन लोगों ने जो लापरवाही बरती है, स्कूल को इन्फॉर्म नहीं किया कि स्कूल को ड्रेस में आने के लिए, मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। वहीं इस लापरवाही को लेकर डीएम ने जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक और मुख्य शिक्षा अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। पंजाब केसरी टीवी के लिए नैनीताल से भूपेंद्र रावत की रिपोर्ट। शनि काम बनाएंगे या बिगाड़ेंगे? गुरु किसका भाग्य संवारेंगे? कैसा रहेगा राहु का गोचर? मंगल से किसे लगेगी ठोकर? मैं बताऊंगा मेष से लेकर मीन राशि का हाल। भविष्यवाणी लाइव में पंजाब केसरी टीवी पर रोज सुबह 8 बजे।